12 साल की खिलाफत हो और गिरफ्त मजबूत हो, इतना दबदबा हो और फिर सारे सहाबा किराम और उम्मत की बागडोर हाथ में हो और उम्मत लब्बैक कहने के लिए तैयार हो और फिर चंद सौ 500 तादाद लिखी है जो मुखालिफीन हो वो मद्दे मुकाबिल आ जाएं, सब कुछ हाथ में हो, लेकिन हजरत उस्मान गनी देखें आप फरमा रहे थे कि मैं उम्मत का पहला फर्द नहीं बनना चाहता जो इस उम्मत में खून रेजी करे। ये आपकी शराफत थी। और एक मौके के ऊपर जब जोर दिया गया कि आप इजाजत दें हम तलवार को नयाम से निकालें और इनका किला कमा करें, इनको खत्म करें, इस फसाद का जड़ से खात्मा करें, तो आपने फरमाया नहीं। एक मौके के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ थे, आपने फरमाया था कि इस तरह बाग डोर तुम्हारे हाथ में आएगी तो मुखालिफान तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे, मुखालिफीन तो साजिश का डट करके मुकाबला करना और सब्र करना यहाँ तक कि तुम मेरे पास पहुँच जाओ, तो इसलिए मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता। और आपने ये फरमाया कि अगर कोई इनके खिलाफ तलवार उठाएगा तो वो मेरा हमायती नहीं होगा, उनका होगा। जब हज के ऊपर मुख्तलिफ सहाबा किराम चले गए तो पीछे 500 मुसल्ला अफराद आए, घेराव कर लिया आपके घर का और 40 दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर का घेराव रहा। और यहां तक कि आज हम इस्लाम के लिए हमने क्या कुर्बानियां दी हैं, यहां तक कि वो जिसका मैंने पहले जिक्र किया बीर रोमा, जो आपने 20,000 दिरहम मुकम्मल अगर बनाओ 20,000 दिरहम का खरीद करके वक्फ किया था, उसी बीर रोमा का पानी आपके लिए बंद कर दिया गया, आपका खाना पानी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया, आपके घर का उन 500 लोगों ने मुसल्ला लोगों ने मुहासरा कर लिया और आपके घर के ऊपर जो मुकर्रर थे निगहबान उन्हें जख्मी कर दिया। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दाखिल हुए, जुमा का दिन था, आज क्या दिन है, जुमा का 18 जिलहजा है, 18 जिलहजा थी, जुमा का दिन था और असर का वक़्त था, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु रोजे की हालत में थे और आप कुरान की तिलावत कर रहे थे। आज हमारे मुसलमानों की अमवात किन हालात में होती हैं आप देखते रहते हैं। आप रोजे की हालत में थे, जुमे का दिन था और 18 जिलहजा थी, आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, उन्होंने घर के ऊपर धावा बोला उस मुसल्ला जत्थे ने, तो आपने सब्र किया वो देखें। फिर जब आपके घर वाली के ऊपर हमला हुआ, एक बदबख्त ने हमला किया हाथ के ऊपर, मारा हाथ से पकड़ के, आपने फरमाया अल्लाह तेरे हाथ पांव को बर्बाद करे, और तो औरत के ऊपर क्यों हमला करता है, क्यों थप्पड़ मारता है औरत को, ये आपकी गैरत थी। तो फिर ऐसे हुआ, मौर्रखीन ने लिखा है कि हम शाम के इलाके में थे, मुख्तलिफ तुर्क से ये रवायत है कि एक बंदा था उसके हाथ पांव कटे हुए थे, वो नबीना हालत में था और वो आग आग चीख रहा था। रावी कहते हैं मैं उसके करीब गया, मैंने पूछा तेरी ये हालत कैसे हो गई, तो चीख रहा है, जमीन के ऊपर रींग रहा है, तेरे हाथ नहीं है, तेरे पांव नहीं है, ये हालत कैसे हो गई। उसने कहा कि मैंने ये हरकत की थी कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी के ऊपर हमला किया था और आपकी बद्दुआ थी मुझे और मेरे हाथ पांव कट गए, मैं नबीना हो गया और आपकी बद्दुआओं में अब सिर्फ ये रह गया है कि मेरा आग में जहन्नम में जाना बाकी है, इसलिए मैं आग आग पुकार रहा हूं और चीख रहा हूं। रवायात के अंदर आता है कि जितने भी बलवाई थे वो हमला करने वाले आपके घर के ऊपर सारे पागल होके मरे और जलील होके वो मरे इस दुनिया से। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब यह खबर पहुंची कि आपको शहीद कर दिया गया है, तो आप रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तलवार नयाम से निकल चुकी है, अब उम्मत के ऊपर इस तरह के फसादात आते रहेंगे, अब नयाम के अंदर ये तलवार नहीं जाएगी। ये थी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। आपको शहीद कर दिया गया और बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया
और कुछ वक्त मुख्तलिफ वक्त लिखे हैं रवायात में, कुछ वक्त तक 3 दिन तक का भी लिखा गया है। इतना शदीद हमला था और हालात बना दिए गए थे कि 3 दिन तक आपको दफनाया ना जा सका। फिर रात की तारीकी में कोई सहाबा किराम ने आप रजी अल्लाह तआला को उठाया और जन्नतुल बकी के अंदर रब ताला के हवाले कर दिया। ये थे वो सहाबी रसूल जिनको जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर दी गई थी। आज ज़रा सी तकलीफ आती है तो हम कहते हैं हम मुसलमान भी हैं, हम कलमा भी पढ़ते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, फिर भी ये परेशानी आती हैं।